পাঠাল গালি দিবে করিয়া মরে গেল দুনিয়া কত্তে বদলে গেল ভাইয়া কত্তে বদলে গেল দুনিয়া কত্তে বদলে গেল ভাইয়া কত্তে বদলে গেল আরে মা বাপ আর ভাই বহন अशार तो आपने इनका बहुत सुना है, लेकिन आज मैं बिल्कुल नया शेर एकदम ताजा तरीन शेर आपको दे रहा हूँ। ये हकीकत का शेर है, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, ठीक है ना। मरद जाछ दिल्ली मुंबई कमवा टाका पैसा, हकीकत है ना, है ना। मरद जाछ दिल्ली मुंबई कमवा टाका पैसा, फोन करिए मरद कछ पठाई दी बोटा का, पठाई दी बोटा का, अरे नी पठाल काली दीबे, अरे नी पठाल काली दीबे, कोरिया मोर गेल दुनिया कत्ते बदले गे कते बदले गे, कोरिया मोर गेल। बस ये सब हकीकत है और यही सब दुनिया में होता है, वही सब आप सुन रहे हैं। बस आपको गुफ्तगू के अंदाज में नहीं, शेर के अंदाज में सुना रहे हैं, बाकी जो है सच्चाई है, कोई इसमें लघु नहीं है। एक शेर और पढ़ते हैं कि छोटो मोटो मानो सक दुनिया लगा छमाने। आज देखिए छोटे मोटे के एतबार से कौन है, छोटे मोटे के एतबार से वो है कि जिसके पास पैसा कम है कि नहीं। और एक ये भी है कि अगर हम दुनिया में ताकतवर हैं तो हमारे आगे और कोई नहीं है, बस हम ही हैं जो सवा शेर हैं। लेकिन याद रखिए अल्लाह हर जालिमों से जालिमों से जालिमों के सरदार को भी मिटा दिया है। लेकुल्ले फिराउन इन मूसा, हर फिराउन के लिए अल्लाह एक मूसा तैयार किया है। आपने फिरौन का तो नाम सुना होगा ना, नमरूद का नाम सुना होगा। नमरूद को अल्लाह ने इतनी दौलत दिया कि दौलत के बलबूते पर वो खुदाई का दावा कर बैठा। आखिर में अल्लाह ने इतना जेर और इतनी बदतरीन मौत अता की कि एक मच्छर के बच्चे ने जो है उसकी जान निकाल दी, है ना। अल्लाह ने मच्छर के बच्चे को हुक्म दिया कि मच्छर आज मैं तुझे हुक्म देता, जा नमरूद की नाक में घुस जा। नमरूद की नाक में जाकर के मच्छर घुसा और उसके मग्ज को खाने लगा, उसके मग्ज पे बैठ गया। नमरूद को किसी सूरत न बैठ के चैन मिलता था, न चलते तो चैन मिलता था, न सो के चैन मिलता था। यहाँ तक ये आया है कि उसका जो नौकर चाकर था, नौकर चाकर को अपना जूता देता था, कहता कि मेरे जूते पे मारो ताकि वो मच्छर बैठे और मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून मिले, समझे कि नहीं। इसीलिए एक शायर बड़ा, शायर का दिमाग बड़ा तेज होता है ना, तो इसी तरफ एक शेर का नक्शा खींचा है कि खुदाई का दावा जब कोई नमरूद करता है तो उसकी जान एक मच्छर का बच्चा छीन लेता है। और आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत की बारगाह का जो आशिक होता है वो ये कहता है, बरेली का वो सुरमा है, बरेली का वो सुरमा है जो दुनिया वालों का चश्मा छीन लेता है, समझे कि नहीं। और ये वहाबी, ये नजदी, ये देवबंदी अपनी बेटी देकर बेटा छीन लेता है, जी हक है, समझे कि नहीं। तो खैर इनका रिश्ता नहीं करने का है, रिश्ता भी आज करो तो संभल के सोच के कि मैं अपनी बेटी दे कह रहा हूँ या अपना बेटा दे कह रहा हूँ। आज दुनिया में बहुत बड़ी जरासीम ये है कि आज हम और आप इस चीज पर गौर नहीं करते, जहां भी वो रिश्ता होना चाहिए। क्या होता है सुन्नी और देवबंदी से, क्या होता है पता चलेगा कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया। तो खैर इस टॉपिक पे खतीब लोग आएंगे और आपको समझाएंगे। मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के छोटो मोटो मानो सक दुनिया नी लगा छमाने, के दुनिया माने वक्त लगा छ Yeah.
शेर के नमाज पढ़वर के खोदर घर एकटा तुईटा मानो अरे जाय देखना सिनमर घर हजकते